जनपद ललितपुर की पीएन स्कूल शिक्षक रैन बसेरा कोतवाली के सामने मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। मनोहर लाल पंत राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ललितपुर सदर विधायक राम रतन कुशवाहा तथा जनप्रतिनिधियों एवं आला अधिकारियों की मौजूदगी में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हुआ। इस कार्यक्रम में 63 जोड़ों को माला पहनाकर पूरे रीति रिवाजों तथा मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। वैवाहिक समारोह में शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। देखिए विस्तृत रिपोर्ट ललितपुर से जिला संवाददाता बलराम पचौरी। एवं समस्त माताएं, बहनें, कन्याएं, बुजुर्गण, मैं सभी के चरणों में अपना शीश नमन करता हूं। आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में कई बहनों की शादियां हो रही हैं, जिसमें आज प्रॉपर ललितपुर में नगर पालिका के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा और हमारे जखौरा में और हमारे मेहरौनी विधानसभा में ये सब शादियों का कार्यक्रम जारी है। क्योंकि हम लोगों को जखौरा भी जाना है, मेहरौनी भी जाना है, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का सबसे पहले ये कार्यक्रम संपन्न करा करके हम लोगों को दूसरी जगह भी जाना है। और आप लोगों के लिए, हमारी बहनों के लिए 35,000 रुपया उसके खाते में पहुंच जाता है और दूल्हे के लिए 5,000 रुपया और 5,000 लड़की के लिए, तो उनका ये कार्यक्रम 10,000 में हो जाता है। और इसके अलावा 6,000 रुपया खर्चा किया जाता है, ऐसे 51,000 रुपया का टोटल खर्च हो जाता है। तो ये पहले कोई कार्यक्रम नहीं होता था। 2017 के पहले चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई कार्यक्रम नहीं होता था। आज हमारी बहनों के हाथ पीले हो रहे हैं। एक कार्यक्रम 2017 से 200 कन्याओं की शादी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री जी और मैं साथ